मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अपनी मेहनत की कमाई लोग बैंकों में रखते हैं कि उनके पैसे सुरक्षित रहें, मगर ठगी करने वाले किसी न किसी तरकीब से आपके साथ चीटिंग कर पैसे निकाल लेते हैं। बैंकों की तरफ से भी चेतावनी दी जाती है कि कभी अपने एटीएम नंबर और पिन नंबर या ओटीपी नंबर शेयर ना करें, मगर इसके बावजूद लोग पिन नंबर शेयर कर देते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। कुछ दिन पहले ही मुंबई कौसा शहर के कई एटीएम से कई लोगों के पैसे किसी ने फर्जीवाड़ा करके निकाल लिए थे। इसी तरह कल जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना मोहम्मद अयूब वसीउल्ला खान को अपना पिन नंबर और ओटीपी शेयर करना भारी पड़ गया और एक अनजान व्यक्ति ने इनके अकाउंट से 41,000 रुपये निकाल लिए। मोहम्मद अयूब कौसा पेट्रोल पंप के पास एसबीआई एटीएम में कल मंगलवार को पैसे निकालने गए, मगर एटीएम कार्ड मशीन में डालते ही ब्लॉक बताने लगा। तभी पीछे खड़ा अजनबी शख्स ने इन्हें पिन नंबर चेंज करने की सलाह दी। मोहम्मद अयूब अब उस अजनबी शख्स के कहने के मुताबिक करने लगे, यहां तक कि ओटीपी नंबर भी उस अजनबी शख्स से शेयर कर दिया, जिसके बाद मोहम्मद अयूब 10,000 निकाल कर पैसे रखने लगे। इसी दौरान उस शख्स ने एटीएम कार्ड बदली कर लिया और एक डुप्लीकेट कार्ड मोहम्मद अयूब को दे दिया। दोपहर के टाइम पे तकरीबन 12:15 बजे के करीब मैं एटीएम के पास गया। कौसा पेट्रोल पंप के बाजू में स्टेट बैंक है, उसके नीचे एटीएम है स्टेट बैंक का। मैं अपना एटीएम कार्ड लेके गया, वहाँ पे नंबर लगा के फिर गया अंदर, केबिन के अंदर गया और मैं एटीएम कार्ड डाला वहाँ पे और ब्लॉक ब्लॉक बता रहा था उसको। फिर उसके बाद एक दो मरतबा किया तो पीछे से एक लड़का बोलता है, क्या बात है? बोला ब्लॉक बता रहा है, तो बोले मेरे को कार्ड दो, मैं देखता हूँ। मैंने कार्ड दिया तो बोला आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है, नया पिन नंबर डालना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है डाल दीजिए। तो वो बोला आप अपना अकाउंट नंबर बताइए। मैंने अपना अकाउंट नंबर एसबीआई का दिया। फिर उसके बाद बोला कि अभी आपको आपके मोबाइल में ओपीडी नंबर आएगा। ओपीडी नंबर आया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अभी पिन नंबर आपका चेंज करना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है कर दीजिए, पिन नंबर चेंज कर दीजिए। पिन नंबर चेंज करने के बाद मैंने अपने हाथ से डाला पिन नंबर, वो पीछे से देख रहा था, मैं ध्यान नहीं दिया उस बात पर। फिर उसके बाद फिर वापस एटीएम कार्ड डाला मैंने। एटीएम कार्ड डालने के बाद पिन नंबर डाला और 10,000 रुपया मैंने निकाला। मेरे अकाउंट में 51,000 रुपया था। 10,000 रुपया निकालने के बाद मैं पैसा गिन रहा था, पैसा गिन के मैं मेरे जेब में रखा। वो लड़का क्या किया कि वो अपना कार्ड मुझे दे दिया और मेरा कार्ड ले लिया, मैं उसमें ध्यान नहीं दिया और वो कार्ड भोले से मैं अपनी जेब में रख लिया। बाहर आने के बाद तकरीबन आधा पौना घंटे के बाद देख रहा हूँ कि मैसेज आया, 20,000 रुपया मेरे अकाउंट से निकल गया। फिर वापस 10,000, फिर वापस 11,000 रुपया, ऐसे 41,000 रुपया टोटल अमाउंट मेरे अकाउंट से गया। मेरा लोगों से अपील है, लोग मुमरा कौसा के लोगों से अपील है कि आप लोग अपना कार्ड किसी को एटीएम कार्ड ना दें, बहुत मेहरबानी करके आप किसी को कार्ड ना दें, क्योंकि इससे बहुत बड़ा धोखा हो रहा है और बहुत बड़ी टीम इस ताल्लुक से चल रही है मुमरा कौसा में, जो मुझे बेवकूफ़ बना गई और लोगों को भी बेवकूफ़ बनाएगी। इस ठगी का शिकार हुए मोहम्मद अयूब ने मुंब्रा पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर किशोर पासलकर को अर्जी दी है। आए दिन ऐसी घटनाओं का लोग शिकार हो रहे हैं, इसलिए एटीएम में पैसे निकालने के दौरान और ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सावधानी बरतें। कभी एटीएम का नंबर, पासवर्ड, ओटीपी कभी भी अनजान शख्स को ना बताएं और अपना पैसा सुरक्षित रखें। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।